8 अक्टूबर 2019 सुबह करीब 10:30 का टाइम है। चंडीगढ़ में सेक्टर 33 और 45 के बीच का मेन रोड है, उसका 33 की साइड का एक मैं साइड दिखा रहा हूं आपको, और ये सेंट स्टीफन्स स्कूल जो है बिल्कुल सामने है इसके, और इसमें शहर के बहुत ही नामी गिरामी जो परिवार हैं उनके बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, और बहुत से लोग यहाँ अपने बच्चों को छोड़ने और लेने आते हैं, वो यहीं से आते हैं, यही रोड है। अब इसमें आपको मैं ज़मीनी हकीकत दिखा रहा हूँ, मलबा फ्री और गार्बेज फ्री, हॉर्टिकल्चर वेस्ट का अलग जो खाद बन रहा वो आपके सामने, अलग से प्लांट यहाँ की MP मैडम किरण खेर ने उद्घाटन किया था, उसका भी हाल आपके सामने है। गार्बेज का रिसाइकिल का प्लांट लग गया है, मलबे का रिसाइकिल का प्लांट लग गया है, और NGT को कॉरपोरेशन ने लिख के दे रखा है कि हम गार्बेज सूखा गीला अलग अलग गाँव तक कर देंगे। मैं तो शहर का दिखा रहा हूँ, गाँव में मैं नहीं गया हूँ। और ये मलबा है, इसमें ऐसा कोई मलबा कूड़ा हॉर्टिकल्चर वेस्ट ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो नहीं है इसमें, और ये कितना बड़ा ढेर है, कम से कम 10 ट्रक यहाँ ये है, और ये एक दिन का नहीं है, कम से कम एटलीस्ट एक साल से ये यहाँ है, एटलीस्ट एक साल से। और इस रोड से कितने लोग आते हैं, इस इतने बड़े स्कूल में बच्चों को छोड़ने आते हैं, और किसी भी पेरेंट्स को ये नहीं दिखता या इस पर सवाल नहीं उठाता कि शहर में हम रह रहे हैं, इस शहर का अच्छा कैसे बने। ये ज़मीनी हालात है, जब तक किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं होगी ज़मीन पे तब तक कोई बदलाव नहीं आ सकता, और ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है, प्रशासन की है लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी उतनी बनती है, कम से कम प्रशासन के हम ध्यान में तो लाएँ। धन्यवाद।